तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, हमें चश्मे लगा लिए हैं और अब मैं सूरज को कहूँगा अब तू मुझे गर्मी करके दिखा भाई, तेरी इतनी हिम्मत है तो मुझे करके दिखा। आज मैं तुझे निचोड़ डालूंगा, खोड़ डालूंगा, खोड़ डालूंगा, देखते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता। और आज अच्छा भी दिख रहा हूँ, सूरज से आज कह डालो, सूरज से आज कह डालो कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी कुछ भी। आज जो है हम ये वाला मास्क पहन के जाएंगे जो मेरे पैसों का है, 5 रुपए का ये वाला मास्क, सस्ता मास्क। और ये इसीलिए पहन के जाऊंगा क्योंकि ये पूरे 5 रुपए का आया, 5 रुपए तक वेस्ट होने नहीं दूंगा, जब तक ये फटे नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, तब तक मैं इसको पहनूंगा। और ये हमने क्यों लिया, ये हमने लिया मजबूरी में। कल हम ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए पीछे और घूमते 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 बहुत दूर पहुँच गए, पता ही नहीं पड़ा कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। तब वहाँ थी भीड़, अब हमको पता था भीड़ से तो अब क्या करते हैं, मास्क वास्क तो था नहीं, हमको लगा कि नहीं हम क्या मतलब उधर तो निकल जाएंगे या हम ऐसे निकल जाते कहीं भी, 2 रुपये क्या मिलते थे, 5 रुपये। हम ऐसे कहीं भी निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। तो फिर हमने पैसे सारे सबने मिलाए और फिर ये मास्क लिया और अब मैं ये मास्क पहनूंगा जब तक पूरा टूट नहीं जाता, खराब नहीं जाता। हालांकि मास्क बहुत रहेंगे, इसको पहनूंगा, 5 रुपये 5 रुपये वसूल करेंगे पूरे। बन चुके हैं किलर, देखो 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 देखो, ये चल रहा है माँ बेटी का झगड़ा यहाँ पर। ये देखो ये आपके हाथ में चाकू अच्छा नहीं लगता। वो देखो मेरे ठले डंडा, इसमें पड़ने वाले डंडे, क्योंकि ऐसे बात है इसने सुबह से कुछ काम करा नहीं है तो उसको अब डंडे पड़ने वाले, ना इसने झाड़ू मारा है ना इसने पोछा मारा है और कपड़े भी नहीं धोए मेरे। मैं बेचारा नहा के मैंने इतने गहरे उसमें मैंने ढूंढा है, कम से कम 1 घंटे बाद मैंने अपनी पैंट ढूंढी है, बताओ यार। अच्छा किसी के घर में होता है? नहीं होता, मेरे घर में होता है, ऐसा काम ही करती। भाई लोगों, मैंने आपसे एक बात छुपाई है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सोच सकते कि मैं बार बार बाहर को जाता हूँ, तो मैं बाहर जाता हूँ क्योंकि भैया मैं हूँ डॉक्टर और मैं पेशेंट्स का इलाज करने जाता हूँ बाहर, तो आते रहते हैं मेरे पास, ऐसी न्यूज आती रहती है लोगों की। तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन है। कैसा लगा मेरा मजाक? आपने क्या सच मान लिया? नहीं भाई यार, मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ यार, मैं ऐसे मजाक कर रहा था यार, सच में मेरी बात को सच मान करो। हाँ, अगर आपको जानना है कि मैं काम क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइबर करवाओ यार, 100 सब्सक्राइब करवाओ। 100 सब्सक्राइबर होते ही आपको पता पड़ जाएगा मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता, और एक सरप्राइज भी आपके लिए 100 सब्सक्राइबर पर, जल्दी करवा दो यार। तो भाई धूप तो बहुत हो रही है बाहर, लेकिन जाना पड़ेगा, अफसोस निकलना पड़ेगा, 3:30 बज चुके हैं, इतनी धूप हो रही है, वहाँ जगह पैदल जाऊँगा। भाई जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर है अंडा। अगर आपने कल का क्वेश्चन नहीं सुना है तो जाओ कल वाली वीडियो देखो, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन का आंसर है अंडा। अंडा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, वो आप देख लो क्वेश्चन क्या है अगली वीडियो का, और आज का क्वेश्चन भी मैं लास्ट में पूछूंगा, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। आज हम फिर से खाने जा रहे हैं चाउमीन, देखो चाउमीन खाने जा रहे हैं फिर से, आज मज़ा आता है चाउमीन खाने में, चलो खाता हूँ, खा के मिलता हूँ आपको। हाँ तो भाई लोगों, आज के ब्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज सब लोग पसंद आया होगा। और भाई आज का क्वेश्चन ये है कि सारे अप्लायंसेस क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है? इसका आंसर आपको कल की वीडियो मिल जाएगा, और आप नीचे कमेंट करो, जो जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट वीडियो में लूँगा। और वीडियो अच्छे से लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, ताकि मैं उसको और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। देखने के धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, सपोर्ट करते रहो, 100 सब्सक्राइबर करवा दो बस, तब बताऊँगा आपको।